পাঞ্জাবৰ খাদুৰ চাহাব সমষ্টিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজয় সাব্যস্ত কৰে অমৃতপাল সিঙে। ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত এন এছ আইত কাৰাবন্দী হৈ থকা অমৃতপাল সিঙক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া অধিবক্তাজনে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পাছতে পুৱাতেই ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত পঞ্জাৱত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে ব্যক্ত কৰে। সৰ্বমুঠ 4,04,430 ভোট লাভ কৰা অমৃতপাল সিঙে 23 প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰি তেওঁৰ নিকটতম কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীজনতকৈ 1,97,120 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছে। 2023 বৰ্ষৰ 20 এপ্ৰিলত অমৃতপাল সিঙৰ সহযোগীসকলক অনা গৈছিল এই ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ। বৰ্তমান অমৃতপাল সহ 9 জনক ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত পৃথক পৃথক বিশেষ চেলত ৰখা হৈছে। এইসকল কাৰাৰুদ্ধক অধিবক্তাজনে অমৃতপাল সিঙক শীঘ্ৰেই উলিয়াই নিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈ এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে সহযোগিতা প্ৰকাশ নকৰিলে আন চিন্তা কৰিব বুলি কয়। পঞ্জাৱত বিজেপি দলে মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ লগতে অমৃতপাল সিঙক ভগৱান ৰূপে দেখা বুলি কয়। অমৃতপাল সিং সে বাতচিত হুই তো উসমে তো আজি কি রাজনীতি হ্যাঁ বো অভি তো রেহাই কা মসলা চল রা হ্যাঁ ওর উসমে পুরা সরকার তো ক্যুকি উনকো রেহা করনা পড়েগা কোই অল্টারনেটিভ নি হ্যাঁ সরকার কি মজবুরি হোগি দোনো সরকারো কি ভাজপা সরকার কি ভি ওর যে আম পার্টি কি সরকার হ্যাঁ যো ভগবন্ত মান কি দোনো কি মজবুরি হোগি উনকি রেহাই কে বাদ যো হ্যাঁ যে পঞ্জাব কি আওয়াজ হ্যাঁ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖੋਂ ਕੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਸਿੱਖੋਂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੋ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਜੇ ਮਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੇਲਾ ਆਪ ਲੋਕ ਕਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਕਿਆ ਥਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ चुनाव इस आधार पर लड़ा गया था कि भाई अमृतपाल सिंह पंजाब में अमृत संचार कर रहे थे और वो नशा रहित कर रहे थे पंजाब को तो बेईमान तरीके से जो भगवंत मान की सरकार थी उन्होंने उनकी गिरफ्तारी कर ली और उसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला बताया और हिंदू सिख का मसला बताया जो बिल्कुल झूठ था तो उसके खिलाफ फतवा लेना था कि जो ये गिरफ्तारी की ये गलत की और गैर कानूनी थी गैर नैतिक थी मॉरल के खिलाफ थी इसलिए इनको जो है जो रिहा करना चाहिए और ये फतवा है कि सरकार का कदम ये अपना आप सरकार का और भाजपा सरकार का दोनों का गैर कानूनी था तो गैर नैतिक था इस स्ट्रेटजी पे जो चुनाव को लड़ा गया था यही मैनिफेस्टो था और इस पे जनता ने मोहर लगा दी कि जो ये गिरफ्तारी थी ये गैर कानूनी थी गैर नैतिक। बाकी जो बंदे अभी हैं उनके उनके बारे में क्या राय है? वो तो साथ ही जाएंगे इनके साथ ही जाएंगे। और आपने जो आपने आके अमृतपाल से आज में मिला और इलेक्शन का बात बताया ऐसे जीता तो उन्होंने क्या कहा? मतलब उन्होंने यही कहा कि मैं तो जो है जो मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था मगर चुनाव जनता की मांग पर लड़ा गया क्योंकि सिख संगत की डिमांड थी कि चुनाव लड़ा जाए तो इसलिए चुनाव लड़ा और सिख पंथ ने उनको बहुत सत्कार और प्यार दिया और उसके लिए वो खालसा पंथ के आभारी हैं और खालसा पंथ की जो चढ़ती कला है उसके लिए वो काम करते हैं। कौन सा सरकार को सपोर्ट रहेगा हम लोगों का? नहीं ये तो भाई साहब फैसला करेंगे ये तो उस समय की राजनीति देख के वो जो उनका सही फैसला है वो लेंगे। बीजेपी सरकार के बारे में आपका क्या राय है? नहीं मेरा कोई राय नहीं है कि मेरा तो राय जो है वो खालसा पंथ के हित में है तो बीजेपी ने भी कोई अच्छी भूमिका नहीं निभाई। बीजेपी ने आप सरकार का साथ दिया और आप सरकार इनको डिब्रूगढ़ जेल में नहीं भेज सकती थी वो बीजेपी ने यदि उनका साथ दिया तभी डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया क्योंकि असम में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार का रोल भी बहुत गलत था गैर कानूनी था गैर नैतिक था। अहम आदित्य डिब्रूगढ़।